चिलचिलाती हुई गर्मी और पसीने से लथपथ शरीर, यानी जून का महीना और उसी समय फलों के राजा आम बाग बगीचों के पेड़ों पर नजर आते हैं। आम एक ऐसा फल है जिसे खाने का लालच बच्चे से लेकर बूढ़े तक का होता है। इस कहानी का चार पात्र है, आम और उस पेड़ का मालिक अंकल, साथ में दो शरारती बच्चे जिसमें एक का नाम हुक्का और दूसरे का नाम रजवा है, जिसे एक चुटकुले के रूप में चित्रित किया गया है जो काफ़ी मज़ेदार है। तभी हुक्का पेड़ के ऊपर बहुत सारे पके हुए आम को देखता है। आम देख उसके मन में लालच पैदा हो जाता है। मन ही मन बोलता है, अरे इतने सारे पके हुए आम। फिर वह एक ढेपा पत्थर उठाकर फेंकने ही वाला था कि सारे आम जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। तभी पीछे से एक छड़ी उसके कपड़े में फंसाकर अपनी ओर खींचती हुई आवाज आती है, बच के कहाँ जाओगे। हुक्का डरते हुए पीछे मुड़कर देखता है, एक अंकल छड़ी के सहारे अपनी ओर खींच रहे थे। हुक्का झट से बोला, अंकल माफी। अंकल बोलते हैं, चलो 100 बार उठक बैठक करो। रजवा पास के झाड़ी में छुपकर सब कुछ देख रहा था। अब सब पेड़ के नज़दीक से अपने अपने घरों की ओर चले गए। फिर सारे आम शांति से गहरी नींद में सो गया। अगले दिन रजवा और हुक्का उसी पेड़ के नीचे मिला। रजवा हुक्का से बोला, कल अंकल जी डांट रहे थे, तुमने उनको कुछ नहीं बोला। झट से हुक्का बोला, ई बोला कि पानी में डुबकी मारकर खूब गाली दिया। ये बात सुनकर पेड़ के सभी आम जोर जोर से हंसने लगे।